क्यों गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, मैं आपको आज मैं आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हमारी कौन सी वीडियो है, यानी कि आज हम बनाने हैं व्लॉग और व्लॉग तो हम बनाते ही बनाते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं 14 अगस्त का व्लॉग। लेकिन अभी आपको लग ही रहा होगा कि रात है, क्योंकि मैंने 13 अगस्त की अभी 13 अगस्त है गाइस, अभी रात बात अभी 14 अगस्त की 13 अगस्त है और रात के 8:30 बजे हैं। तो मैंने अभी आपको वेलकम करा है, तो और आपको सोच रही हूँ सामान वामान कहाँ है, लेकिन सामान वामान मैं आपको जब मैं सुबह तैयार हूँ सुबह तो आपको सारा सब चीज़ों को टूर दूंगा, बलून वलून लेकर आए जो मैं बाहर डेकोरेट करूँगा अपनी अपने फ्लैट के बाहर, यानी कि अपने दरवाजे के बाहर, और वो आपको उसके सिनेमैटिक्स वो दिख जाएंगे, मेरी आँखें आपको दिख जाएंगे सिनेमैटिक्स बहुत सारे, तो वो भी आपको दिखाऊंगा और अपने कपड़े भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो आपको सुबह दिखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे सुबह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये होती है फाइट। अच्छा स्लो कर। घर आ गया हूँ, अब मैं सोने लगा हूँ, तो सोने के आप अब सुबह आपसे मिलता है। ठीक है, ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गाइस, आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो गाइस आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। गाइस, सो अभी 2 बजे में, वैसे गुड मॉर्निंग तो है नहीं, गुड आफ्टरनून है, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया। सो अभी बज गए हैं सुबह दोपहर के 2। सो अभी मेरे दोस्त आएंगे, हम केक काटने जाएंगे ना, तो लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स एंजॉय करवाते हैं। आज हमारे साथ है, आपको सिनेमैटिक्स एंजॉय करवाते हैं। गुस्सा हो गया अंकल,
क्या बोला रही हूँ? सॉरी सॉरी, हमारे लिए हमारा रैंडम लड़का आ गया सामने। ये रैंडम लड़का है। तीनों लड़के ना खड़े हुए हैं, बाकी जो जितने दोस्त हैं ना वो गए रोड क्रॉस करके स्टाइल पे, वो 14 अगस्त के काम में उनको चले गए हैं। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं अभी, तो देखते हैं कौन सा सीन है आगे। तो केक भी कट करेंगे अभी, तो उनका पैसे वैसे मिलाने हैं मेरे पास हैं, वो सब हम मिलाएंगे। नहीं नहीं ये हमारे तीन नमूने आ गए यहाँ पर। ये हमारा रैंडम लड़का है और ये हमारा अशरफ भाई। हेलो भाई, मुझसे सलाम करने आया है ये। तो गाइस अभी 3:30 बज गए हैं, 3:30 गाइस बज गए हैं अभी, और हमने केक का प्लान कैंसिल कर दिया है। फिलहाल हम बर्गर खाने जा रहे हैं, और एक और सरप्राइज़ है आपके लिए जो आपको जल्द आपको बताऊँगा। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और आपको जल्द पता चल जाएगा, ठीक है? तो आपसे हम अब जाने लगे बर्गर खाने, तो आप वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ बर्गर कैसा टेस्टी होता है, खा के देखते हैं। आज चलते हैं, आप ही हमारे साथ चलते। पे चेंज हुआ है अभी, हो गया ये कि जो दुकान बर्गर की थी वो बंद हो गई है। सॉरी गाइस यार, बर्गर पिज्जा का वो उसका नहीं हो पाया, केक का, लेकिन हम बर्गर का भी नहीं हो पा रहा है। बर्गर की दुकान ही बंद है, बर्गर है ही नहीं वहाँ पर। तो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पर हमारा पूरा ठेला लगा हुआ है, यहाँ पर अंडे वाला बर्गर, यहाँ पर गोलगप्पे की, यहाँ पर फ्राइज। तो हम सोच रहे हैं अभी अंडे वाला बर्गर खा लेते हैं, मेरे पास जो पैसे हैं सब वो कुछ खा लेता हूँ। तो ये कर लेते हैं अभी हम, ठीक है? तो कोई नहीं यार, करना पड़ता है। देखें हमारा अंडे वाला बर्गर का स्टॉल, हमारा गोलगप्पे का स्टॉल, वहाँ कोने में वो देखें आप, वो आते हैं। ये वाला ये है हमारा उसका स्टॉल, वो फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल है, और आई थिंक आगे कुछ बताया है। तो बर्गर खा लिया अंडे वाला, अभी मैं लाया हूँ अपने लिए फ्राइज और कोका कोला लाया हूँ। ये कॉपीराइट फ्री खाते हैं तो कहते हैं हम ये खाते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में आप सब कुछ खा के हम रेडी हो गए, और यहाँ पर थोड़ा ऐसे फन कर रहे थे, थोड़ा बच्चा ऐसे मैंने कहा यहाँ पर है, सब ये दिखाते हैं, देखते हैं अभी आपके साथ। अरे हाँ सामने आओ, उधर आओ, हाँ उधर आ जाओ। अरे तुम क्या कुत्ते दोस्त सब आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब हट यहाँ से, अरे दोस्त हैं सारे, सब के सब देवासिया की गड़ी। ओ भाई साहब, यार अभी हम क्लिप, अभी हम ना शूटिंग करने वाले हैं यार, ना सिर्फ के चैनल पर जाकर बताता हूँ ना। हाँ गाइस बात सुनो, मैं अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं, तो हमारा एक शूट हो रहा है। ये मैंने बेघर भी उसकी ना सही चीज में मैं सुभान लॉग्स में तो वही उसका सीन है, तो उसमें सुभान भी होगा, तो ऐसे ही हम स्टोरीज बनाते हैं। सही है, आज के व्लॉग में इतना ही। अब मैं घर पे इसलिए व्लॉग एंड करा क्योंकि कोई इतना खास नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, एंड आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा, और दुआ में याद रखिएगा।